हेलो फ्रेंड्स, मेरे साथ पंकज शुक्ला जी हैं। पंकज शुक्ला जी 34 साल बताया था आपने, उम्र जी कर 34 साल के हैं और काफी साल पहले इनके बचपन में चोट लगी थी। उसके बाद में इनको मतलब काफी परेशानियां रही। वो परेशानी जरा आप बताएं व्यूअर्स को, और पहले भी पूछो जब आपको वीडियो से किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं। कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली क्या है, 10 से 15 साल पहले मेरे पैरों में प्रॉब्लम रहती थी। यहाँ पे सामने का हिस्सा चलते समय जाम हो जाता था, तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। और कमर से लेके यहाँ तक काफ़ी दर्द रहता है, परमानेंट दर्द रहता है। कमर में परमानेंट दर्द रहता है, पैरों में परमानेंट दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। अच्छा, अब सच्ची सच्ची बताना जो मैंने आपको बताया। व्यूअर्स आप भी देखते रहिएगा कि इनको शाटिका नहीं है, ये शाटिका का इलाज पूरी लाइफ कराते रहे, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये जहां पर भी गए, क्योंकि जैसे ही वर्ड आता है टांगों में दर्द कमर से चालू हो रहा है, तो हर डॉक्टर जो पढ़ाई करता है वो एक चीज के साथ कनेक्ट करता है जिसको बोलते हैं शाटिका। शाटिका सबसे लंबी नर्व होती है जो यहाँ से निकलती है और इसके पीछे से होते हुए दोनों टांगों को सप्लाई करती है। तो कोई भी अगर प्रेशर आएगा, इरिटेशन होगा, तो ये नसों का गुच्छा है, यहाँ से वो उस नस पे प्रेशर डालता है। तो एक चीज समझ लें कि जब भी आपको झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है, उसको हम शाटिका या नर्व के पेन बोलते हैं। जैसे कि आपने बताया आपका जो पेन है वो डल एकिंग पेन है, कि थकावट वाला दर्द जी है ना, जो आपको बेचैनी देता है ना। इस तरह की सिमिलर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इनके शाटिका बिल्कुल नहीं है। और इनके जो असेसमेंट में जो पता चला है हमें, इनके हाई आर्च हैं। हाई आर्च एक जेनेटिक कंडीशन होती है, उसमें पेशेंट इंस्टेबल रहता है, हमेशा पाँव घुमा के चलता है, उसकी वजह से इनको ये दिक्कत है। तो भाई साहब, कभी भी कुछ भी हो दवाइयां मत खाइएगा। ऐसे केसेस में जो बैक में चेंजेस आते हैं तो आप एमआरआई में भी देखेंगे, अगर कोई खेलने कूदने वाला है उसके भी आएंगे, तो मेजोरिटी ऑफ लोगों को चेंजेस नजर आएंगे। और जैसे ही आप एमआरआई कराते हैं तो ये एक चीज बताना चालू कर देते हैं कि ये नर्व की दिक्कत हाँ जी है, तो फिर बहुत सारे टेस्ट करने लग जाते हैं, फिर आप प्रीगैबलिन और पेन किलर्स खाने लग जाते हैं। ये तो थी इंफॉर्मेशन की बात। इनको शैटिका नहीं है, इनको प्योरली हाई आर्च की वजह से मैकेनिकल डिस्कम्फर्ट है। इनका परमानेंट इलाज इंसोल है, इंसोल पहनते ही इनकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं जल्दी से इनके एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। आप सब लोग एडजस्टमेंट के लिए ही आते हैं, एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे पहले हम कपिंग नीडलिंग एडजस्टमेंट करते हैं। आ जाइए, स्टमक पे लिखेंगे। अब मैं फील कर पा रहा हूँ बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत टाइट है, तो मैं ड्रॉप का यूज नहीं करते हुए इजी करता हूँ। लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस, लंबी सांस, लंबी सांस, एक और छोड़ दीजिए। यस, अब ये चीज, ये उल्टे लेटने के बाद इनको दिक्कत आ रही है। आप ये देख सकते हैं, ये सारी मसल्स बहुत ज्यादा टाइट है, इनफैक्ट ऐसी हो गई है कि बहुत वजन पड़ पड़ के सारा प्रेशर लेने की वजह से सारी हार्ड हो गई है। इसी पे ये मेरे हिसाब से मैं इनको कहूंगा कि भाई साहब 4-5 दिन का टाइम आप निकाल लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। करवट ले लीजिए मेरी तरफ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाऊंगा, बहुत फर्स्ट डे है आज। रिलैक्स, नीचे वाला पैर सीधा कर लो, हाई आर्च भी देख लो कि हाई आर्च कैसे होते हैं। सारा वेट इस पे आता है, इस पे आता है, एरी पे, सारी जो फटी हुई एरिया है, फोर फुट है, स्किन कितनी हार्ड है, सारा वजन पड़ने की वजह से ये यानी कि चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। एक एक दो दो घंटे कोर्ट में खड़े रहना पड़ता है अंदर। बताइए, अब ये लोगों के लिए सेवा करते हैं तो पाँव में ये दिक्कत है, यानी अरे सेवा कि उसने ऐसे व्यूअर्स को बताना है कि सेवा करते हैं। अमिताभ इजी, छोड़ दीजिए। मैं इनको ना थोड़ा सा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं फील भी कर पा रहा हूँ कि ये बहुत टाइट है। लेट्स सी, इजी ब्रीद आउट, लंबी सांस, बच्चन
उस तरफ मेरे भी ज्यादा दोस्त वकील हैं, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता। बहुत ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है तो मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। फर्स्ट मूवमेंट नेक इतनी टाइट बिल्कुल नहीं होगी तो इजीली हो जाएगी। नाइस, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, मैं 100% बैट कर सकता हूँ आपके ऊपर, मुझे 1% का भी डाउट नहीं है। आप मेरी सारी चीजें मानेंगे, आप जिंदगी जो आपने आज तक एंजॉय नहीं किया होगा पिछले 5-10 साल में, आप वैसे एंजॉय करना चालू कर देंगे 1 महीने के बाद। ठीक बताए। मैं जब भी गाड़ी ड्राइव करता था कहीं घर से बाहर जाता था काम से, तो 100 किलोमीटर भी अगर गाड़ी चलाया मैंने तो पूरा मेरे यहाँ पे पैर में कमर में पूरा दर्द हो जाता था। 24 घंटे तक मैं लेटा रहता था, कोई भी दवा यूज करता था कोई फायदा नहीं होता था, सिर्फ रिलैक्स करता था हार्ट सरफेस पे तभी आराम मिलता था। तो यही तो मैकेनिकल प्रॉब्लम बोलते हैं, मैकेनिकल यानी कि जो प्रेशर आने की वजह से होता है, ना कि शरीर में कोई चीज खराब है उसकी वजह से होता है। अगर शरीर में कोई चीज खराब है तो वो बैठे में भी होगी, नॉर्मल लेटने में भी होगी, ये चीज़ आपके एक्टिविटी की वजह से बढ़ती है। मैकेनिकल प्रॉब्लम, मैकेनिकल प्रॉब्लम मैकेनिकली ही ठीक होगी कि जब तक कि आपको सॉफ्ट सरफेस नहीं मिलेगी, जब तक कि आप इस तरह की इंसोल नहीं पहनेंगे, बना के दिया जाएगा और इसका वन टाइम जो चार्ज होता है वो 8500 होता है। आप इसको आज बनवा के लेके जाते हैं और आप फिर मेरे पास 4-5 महीने बाद भी आते हैं, मैं इसी इंसोल की शेप भी बदलूंगा, आपके पाँव भी बदलेंगे और हमें ये भी पता चलेगा, एंड आई कैन वाउच और आई कैन से ये ही आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। अगर आपको कभी भी लगे कि ये चीज़ आपकी 1-1.5 महीने बाद हेल्प नहीं कर रही, ट्रस्ट मी ये आप रख लीजिएगा, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहा हूँ, जबकि मैं किसी को बोलता नहीं हूँ एंड वीडियो पे बोल रहा हूँ।